हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है काले चने। तो ये किस तरह से बनाऊंगी ये आइए मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये कम से कम पूरी रात इसको भिगो के रखा है, उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया और इसको अच्छी तरह इस तरह से गला लिया है। आप देख सकते हैं इसे नमक डालकर। तो अब ये मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है जो इसको इस तरह से चॉप कर लिया है, दो टमाटर लिए हैं, दो से तीन हरी मिर्च इस तरह से काट ली है, ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं आप देख सकते हैं, एक चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर अकॉर्डिंग, तो काला नमक लिया है मैंने आधा चम्मच, एक चम्मच लिया है मैंने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो इसमें यहाँ पर लिया है मैंने एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच लिया है मैंने अजवाइन और ये दो चुटकी तीन चुटकी मतलब कुछ मैंने लिया है हींग। फ्रेंड्स, ये हमने टेबल स्पून लिए हैं तीन से चार ऑयल, ये देखिए। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, उसको क्रश कर लेंगे, फिर लेंगे अजवाइन, लेंगे हींग। पहले हम इसमें जो ये प्याज मैंने करी थी इसको आधी मैं इसमें ऐड करूंगी, ये देखिए, और आधी मैं अभी बचा लूंगी क्योंकि हमें ऊपर के भी काम में आएगी। तो देखिए इसे जल्द से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम ये डालेंगे टमाटर, इसको भी हम हाफ कर लेंगे और हाफ फ्राई करेंगे, देखिए। अब ली हमने थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसका मिक्स करके हम पका लेंगे। अच्छी तरह फ्राई करके तो इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी हेल्थ के लिए तो अजवाइन अच्छी लगती है, हमारे साथ में फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। आप इस अजवाइन को इस तरह से डालकर ज़रूर बनाएं, आपको पसंद आएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड, इसका कलर चेंज होने लगा है, अभी हम इसे और थोड़ा बनाएंगे तो फ्राई करेंगे। सब ये जो है गार्लिक और अनियन का पेस्ट लहसुन का हम इसमें डाले हैं, लहसुन और अदरक का, साथ में सारी स्पाइसेस भी इसमें ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका जो मसाला का जो अच्छापन जो है वो सब निकल जाए। सारा खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए हमारे टमाटर ये प्याज भून रही है सॉफ्ट, तो हमने इसको थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से भूना ताकि अच्छी तरह जले ना और बन जाए। देखिए इस तरह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाला, तो हम इसमें डालेंगे चने। ग्रेवी होने के बाद हम इसमें डालेंगे चने, ये सब चने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो ये मसाला है ग्रेवी हमारी जो तैयार की थी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, मसाला बहुत टेस्टी होंगे एक न्यू मेथड के साथ। आप इस तरह से बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड, देखिए मसाला मिक्स हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है, फ्लेवर, और बहुत ही टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। तो देखिए हम इसे कम से कम 5 मिनट बनाएंगे स्लो फ्लेम पर। तो ये आप इफ्तारी में, नाश्ते में, जब चाहें, जिस तरह से चाहें बनाकर खा सकते हैं, आराम से बन जाते हैं, टेस्टी बहुत लगते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं माशाल्लाह बहुत। तो ज़रूर बनाएं इस तरह से। फ्रेंड्स, अब हम जो ये हमारी बची हुई प्याज थी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, या आप अपने हिसाब से डालें, आपको ज़्यादा प्याज पसंद है कम, जिस तरह से आपको पसंद है स्पाइसी उस तरह से आप इसमें ऐड करें। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड देखिए माशाल्लाह रेडी है हमारे ये चने। तो एक बार फिर मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।